रोड रोड पड़ गया ये रोड पड़ गया बहुत गंद मुंह बने तेरे। दोस्तों वेलकम एंड नमस्ते। तो आज भाई नेपाल जाने की तैयारी हो चुकी है, सुबह सुबह उठकर नेपाल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज बहन भी जा रही है ना, तो आज नेपाल छोड़ने जाएंगे इसे, तो मैं यूपी के बॉर्डर तक छोड़ दूंगा। कि मौसम की बात करो तो मौसम भी आज काफ़ी बढ़िया हो रखा है, फुल्के बादल लगे हैं, बढ़िया हो रखा है। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ी देर में इसे छोड़ने के लिए जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में क्या अभी जाने वाले हैं बेसिकली। और सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई। आपके बहुत कमेंट पढ़े थे, बट मैं नेपाली नहीं हूँ। दरअसल आप थोड़ी ना है नेपाली, पहले थी नेपाली, अब नहीं। पहले भी नहीं थी नेपाली, पहले भी नहीं थी। इसकी मम्मी का नाम है सुनीता थापा, जो कि नेपाल के सुरखेत से बिलोंग करते हैं। और इसके पापा का नाम है, वो क्या बोलते हैं, क्या थे पापा नाम, पापा भाई मत बोलना यार प्लीज यार। तो है नेपाली भाई, नेपाली। मेरी मम्मी का नाम है श्रीमती दीना देवी और पापा का नाम श्रीमती रेस लिंग। और यहाँ पर इसको देखो, इसको मालिश मिल रही है बस। कैसी ख्याल है, नाश्ता किया ना? सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद में निकलते हैं यार, क्योंकि आज टाइम से भेजना बस छूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या बने चा? तो उधरी भुजी। अच्छा मीठी बने और ईल बना वाला पक्का ना? अभी के टाइम पर ना पूरी जाने की तैयारी हो चुकी है। थोड़ा सा यार आज मैंने मूछें भी बनाई है ना, तो अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों खराब खराब सा लग रहा है मुझे, मतलब शक्ल अच्छी नहीं लग रही आज। किशन जी अच्छा, तो अभी ऐसा करते हैं कि निकलते हैं। और केसी को खुद लगने लग गई है हमारी। केसी चल हेलो हेलो कर दे। तो अभी चलते हैं, तो अभी ऐसा करते हैं चलते हैं और इसको जल्दी से टाइम से बस में भी बिठाना है। दरअसल नेपाल नहीं, मैं वैसे मजाक कर रहा था, इसको हम देहरादून भेज रहे हैं ना अभी, फिर वहाँ पे जो पढ़ाई नौकरी है वो सब करती रहेगी जो भी है। तो अभी ऐसा करते हैं कि मैं फटाफट से शायद किरखू से या फिर पार्टीसन से ना देहरादून की गाड़ी मिल जाएगी डायरेक्ट, तो वहाँ से बिठा देंगे, या फिर कोटद्वार की भी मिल जाएगी तो उसमें बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सामने का मौसम तो देख ही सकते हैं, कितनी तेज़ सनलाइट चमक रही है ना आज, बिल्कुल उस साइड में भी अंधेरा दिखाई दे रहा है गड़ियाओं की तरफ में, इवन उधर ताई के घर की तरफ में भी अंधेरा दिखाई दे रहा है। आज मैं दुनिया का ना आपको सबसे फालतू काम दिखाता हूँ इनको भगाने का, तो इनको भगाते रहो। ये दरअसल हम इनको ना बाघ बकरी कहते हैं, और सबसे मस्त काम है भाई, अगर टाइम पास नहीं हो रहा तो ये काम भी कर सकते हैं। और सुबह सुबह दादी को देखो, हाँ मूल की रबड़ी बना दी, रबड़ी पाउडर बना दिया मूल का है दादी, हाँ के लिए ना बढ़िया लग रहा है, बढ़िया हो रखा है। और साथ में बुड्ढी मिल गई बीच रास्ते में। अच्छा बुड्ढी हमेशा ना छोटी छोटी होती जा रही है। रुक जा इसके उल्टे काम। ए, हे, हे, ना गाड़ी मरो कमी, ना 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 कैसी भाई रहने दे यार। फिर अभी के टाइम पर जाने की तैयारी हो चुकी है, थोड़ा सा बाइक को कोल्ड वार्म कर रहा हूँ और थोड़ी देर में निकलते हैं। दरअसल मजाक कर रहा था मैं कि नेपाल भेज रहे हैं हम, दरअसल इसको देहरादून भेज रहे हैं फिर से। सोनिया थापा चलो हम चल, ठीक है रोना सोना यार, रोना 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 ए रो रो पड़ गया ए रो पड़ गया रो पड़ गया, अरे यार मम्मी भी रो पड़ गया। बहुत खराब मुंह लग पड़े ही तेरे यार। बहुत गंद मुंह पड़े ही तेरे, मत करना। चल बैठ चल। तो अभी चलो छोड़ के आते हैं, बहुत खराब मुंह बनाया भाई, बहुत खराब मुंह। तो अभी चलते हैं और आगे चल के रुकते हैं कहीं पे।
तो अभी के टाइम पर निकल चुके हैं भाई अपने रास्ते पे, अपने सफर पे। उधर को अपना गांव दिखाई दे रहा है उस साइड में, और इधर को थोड़ा बहुत भाई क्या बोलते हैं, यहाँ पे धूप भी पड़ना शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा अभी के टाइम पर न्यूट्रल में रखी है मैंने बाइक, और क्योंकि यार उकाल तक पूरे का पूरा ढलान है ना, तो कोई चक्कर नहीं है, तेल बचेगा तो अच्छी बात है। अभी के टाइम पर हम पांग गांव में पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा मज़ा आया, अच्छा लगा। अब यहाँ से हेलमेट पहनना पड़ेगा क्योंकि आगे को अच्छा नहीं है ना, ऐसा मेन रोड है, लोग चलते रहते हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ से सामने देख सकते हैं पांग गांव, थापली, मरखोला, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता भाई, बहुत खूबसूरत। और साथ में इधर को हल्का फुल्का वो हिमालय दिखाई दे रहा है, उधर को चौखंबा फीक दिखाई दे रही है, साथ में कुछ और पीक्स भी दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर पूरा बादल लगा है की वजह से वो दिखाई नहीं दे रही है, मतलब साफ नहीं दिखाई दे रहा। अदरवाइज जैसे अगर क्लियर मौसम होता या फिर जैसे कल हल्की फुल्की बारिश हुई थी, अगर ज़्यादा होती तो अभी का टाइम पर हिमालय ना चमकना था भाई, बिल्कुल सफ़ेद कलर का। बाकी मौसम तो देख ही सकते हैं कितना सुहावना हो रखा है, हरियाली है चारों तरफ, ऊपर को घने जंगल है, इस साइड में पूरे बांझ बुरांस और चीड़ के जंगल है पूरे। और साथ में यहाँ पर आजकल में खेती की जा रही है ना, खेती में धान काटी जा रही है, साथ में कोदा यानी कि रागी हो गया, झंगोरा यानी कि सवा के चावल हो गए, वो सारे काटे जा रहे हैं, बेसिकली अलग किए जा रहे हैं। तो काफ़ी सुंदर मौसम, सुंदर मौसम के साथ में ये हरियाली, बात ही कुछ और है भाई। तो अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं, थोड़ा नेपाली से भी पूछ लेते हैं कैसा लगा नेपाली। बेकार, मामा की याद आ रही है। भाई साहब जब आ रहे थे ना, रो रही थी, बुलडॉग जैसा मुंह बना दिया भाई साहब, मैंने कहा रही और ये क्या है। इतने बड़े बड़े आंसू भाई, सेम बुलडॉग भाई, बुलडॉग होता है ना, खत्म छिट। देख रही अभी कैसे हंस रही है अभी। भाई क्या तगड़ी, चल बस 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 बहुत ही, अभी के टाइम पर ना पार्टीशन में आ चुके हैं, पार्टीशन में पहुंच चुके हैं। तो दरअसल मेरा जो पौड़ी का प्लान बन रहा था पहला, तो मैं उसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा जाना पड़ेगा यार ना मुझे परसों, और कल कुछ काम भी है, तो उसकी वजह से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। तो बहन को थोड़ी देर में बस में बैठाएंगे और फिर यहाँ से मैं वापस ही चले जाऊँगा आज। तो ये है पार्टीशन की मार्केट, कुछ इधर में है, थोड़ा बहुत इधर में, और थोड़ा सा आज बहन के पैसे खर्च करते हैं यार, ज़्यादा मत बोलो। ये ना ये कम वो देख, प्रयाग होटल, नमस्कार। तो अभी चलते हैं, पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। भाई मैंने कम से कम डेढ़, कितना, दो लीटर कम से कम फ्यूल जला मेरा यहाँ तक ना कक्षा। तो बस भी आ गई भाई, अब खड़ा चाहिए हमारे लोग, देख बस आ गई वैसे ना, तो बस में दरअसल सीट है ही नहीं, बढ़िया। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पहले ना। तो बहन को दरअसल बस फाइनली मिल चुकी है, वह यहाँ से जाएगी, बुलडॉग जैसा मुंह मत बना। चल ठीक है, ओके बाय। अभी के टाइम पर मैं भी ऐसे करता हूँ कि निकलता हूँ यहाँ से, टाइम से निकलते हैं और वापस की तैयारी करता हूँ जाने। अभी के टाइम पर पुसली गांव में पहुंच चुका हूं, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है यार, बहन दो दिन के लिए आती है ना तो रौनक सी आ जाती है घर में, फिर चली जाती है तो फिर ऐसा हो जाता है, फिर कोई नहीं है, मतलब सुनसान से हो जाता है। बाकी जिस जगह पर अभी मैं आके रुका हूं, इस जगह को पुसली कहते हैं दरअसल, और यहां से ऊपर को पुसली गांव के लिए ना एक और रोड कट गई है। तो ये जिस तरीके से कटी है वो बड़ा खूबसूरत है यार, बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ पर जिस तरीके से रोड अपने गांव के लिए लेकर गए हैं, बेसिकली ऊपर से नीचे से दोनों साइड से चली गई ना रोड यहाँ के लिए। यहाँ पर देखो, मतलब ऐसा लगता है भाई साहब, मतलब जन्नत है। जिस तरीके से रोड ये लोग काट के ले गए ना ऊपर को, बहुत ही सुंदर लगता है यार यहाँ पे। और साथ में यहाँ से नीचे को देखो कितनी गहरी खाई है ना, और वो है सासों गाँव, सामने खादस्यों दिखाई दे रहे हैं। और अपन आया था बिल्कुल लास्ट वहाँ उस पहाड़ी से, बिल्कुल लास्ट में दिखाई दे रही है जो। अच्छी बात ये रही कि बहन को ना जल्दी से बस भी मिल गई, उसे रुकना भी नहीं पड़ा, कोल्ड ड्रिंक रह गई यार। अभी थोड़ा सा रुक रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इन वादियों के बीच में रुकते हैं और उसके बाद में थोड़ी देर में घर निकलते हैं।